यदि बद्रीनाथ महाराज शिवदत्त का साथ छोड़कर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हम और भी अधिक शक्तिशाली और महाराज शिवदत्त शक्तिविहीन हो जाएंगे। बस महाराज, हम इतना ही कहना चाहते हैं। जो आपने सोचा है वो हमें असंभव लगता है रानी चंद्रकांता। बद्रीनाथ कभी भी महाराज शिवदत्त का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो टूट सकते हैं किंतु अपने शत्रु के आगे कभी भी सर नहीं झुका सकते। बद्रीनाथ को झुकाना कठिन अवश्य है किंतु असंभव नहीं, क्योंकि मौत का भय उन्हें कभी ना कभी झुकने के लिए विवश अवश्य करेगा। महाराज, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। हम आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते, किंतु सत्य तो यह है कि मौत का भय भी बद्रीनाथ जैसे योद्धा को विचलित नहीं कर सकता। इसलिए भलाई इसी में है कि हाथ आए शत्रु को तत्काल खत्म कर दें, ताकि शिवदत्त सदा सदा के लिए शक्तिहीन हो जाए। शिवदत्त तो शक्तिहीन हो ही चुके हैं महाराज, क्योंकि बद्रीनाथ अब उनके राज्य में नहीं बल्कि हमारे कारागार में बंदी हैं। यदि हमने बद्रीनाथ का वध कर दिया तो हमें केवल शत्रु का नाश करने का संतोष हासिल होगा, किंतु हमने अगर उन्हें जीवित रखकर प्रतीक्षा की तो भविष्य में कोई लाभकारी परिणाम अवश्य निकल सकता है। महाराज, ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी इस इच्छा का सम्मान करते हैं। बद्रीनाथ का वध तभी किया जाएगा जब आप चाहेंगे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने छोटे से मुंह से एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। कहो। महाराज, यदि आप पंडित जगन्नाथ की कूटनीतियों पर ऐसे ही भरोसा करते रहेंगे तो हमें अत्याधिक हानि हो सकती है महाराज, और संभव है कि भविष्य में हमारे योद्धाओं और महायोद्धाओं को अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। महाराज, करोड़ सिंह, अपनी मर्यादा में रहो। जिस पंडित जगन्नाथ की कूटनीतियों पर तुम संदेह प्रकट कर रहे हो, उन्हीं की कूटनीतियों के कारण हमें फिर से चुनारगढ़ प्राप्त करने का मनोबल मिला है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु सत्य इसके एकदम विपरीत है। सत्य तो यह है महाराज कि पंडित जगन्नाथ के कारण ही महाबली बद्रीनाथ का अंत बस होते होते रह गया। यदि समय पर मैंने अपनी चतुराई नहीं दिखाई होती तो आज महाबली बद्रीनाथ बंदी बनाकर चुनारगढ़ के कारागार में डाल दिए गए होते। महाराज, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जगन्नाथ से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण महाबली बद्रीनाथ चुनारगढ़ के सैनिकों से घिरते घिरते बच गए? महाराज, पंडित जगन्नाथ ने बद्रीनाथ को चुनारगढ़ भेजकर ही बहुत बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि उस चंडीलाल को जिसे वो शिवगढ़ का मित्र समझकर शिवगढ़ में लाना चाह रहे थे, उसी चंडीलाल ने बद्रीनाथ को बंदी बनाने की चाल चली थी। ये तो यूं कहिए महाराज कि समय रहते मुझे उसकी चाल का पता चल गया और मैंने चुनारगढ़ के सैनिकों को चकमा दे दिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता महाराज, अनर्थ हो जाता। मैं सत्य कह रहा हूं। सही, क्या सत्य है और क्या असत्य, इसका पता पंडित जगन्नाथ को मिलने के उपरांत ही चलेगा। तुम जा सकते हो। क्या बात है महाराज, आपने मुझे याद किया? हमारी आशंका निराधार नहीं है पंडित जगन्नाथ। जिस चंडी को अपना शिष्य समझकर आप हमारी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उसी चंडी ने विश्वासघात किया है। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाराज? चंडी ने बद्रीनाथ को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था। यदि क्रूर सिंह समय पर उसकी चाल को विफल नहीं करता तो हमें एक अपना महायोद्धा खोना भी पड़ सकता था। नहीं महाराज, नहीं नहीं, चंडी कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये चंडी को बदनाम करने के लिए और उसे शिवगढ़ में आने से रोकने के लिए जरूर क्रूर सिंह की कोई ना कोई चाल है। ये चाल नहीं, सत्य है पंडित जगन्नाथ, जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। अब हमें आपकी चंडी की नहीं युद्ध की प्रतीक्षा है।
एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, युद्ध के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि इस समय युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। शूरवीर परिणाम की चिंता नहीं करते पंडित जगन्नाथ, आप युद्ध की तैयारी कीजिए। चुनारगढ़ के शत्रुओं के सर काटने के लिए हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। नौ दो ग्यारह, ग्यारह दूनी बाईस, दो और दो चार। नहीं, फिर से करना होगा विचार। तीन और दो पांच, अर्थात सांच को नहीं आंच, अर्थात चंडीलाल विश्वासघाती नहीं है। वो आज भी हमारा उतना ही परम भक्त है जितना पहले था। महाराज क्यों इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते? महाराज यदि क्रूर सिंह जैसे मूर्ख पर भरोसा करेंगे तो उन्हें फिर से मुंह की वही खानी पड़ेगी जो पिछले युद्ध में खाई थी। नहीं, महाराज को युद्ध की अग्नि में झुलसने से रोकने के लिए हमें साम दाम दंड और भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। ये इनके इन प्रकार चंडीलाल को अपने साथ मिलाना होगा, चंडीलाल को अपने साथ मिलाना होगा। यदि चुनारगढ़ के इस कारागार से मुक्ति नहीं मिली तो मृत्यु निश्चित है चंडी। अब तत्काल मुझे कोई ऐसी युक्ति लगानी होगी जो विद्रोही चंडी को चुनारगढ़ का सबसे बड़ा स्वामी भक्त साबित कर सके। द्रोही चंडीलाल, सैनिक द्रोही नहीं स्वामी भक्त कहो। अब चंडी को कभी विद्रोही कहने का साहस किया ना तो फिर मौत मारे जाओगे। लगता है मौत के डर ने आपको पागल कर दिया चंडीलाल। यदि इसी तरह कुछ दिन और भूखे प्यासे रहे तो सूली पर चढ़ने से पहले ही आपकी मौत हो जाएगी। अब चाहे चंडी के प्राण ही क्यों ना निकल जाए किंतु महाराज वीरेंद्र सिंह के दर्शन किए बिना ये चंडी न तो अन्न ग्रहण करेगा और न ही जल। अब आपकी मौत निश्चित है चंडीलाल, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह ऐसे किसी अपराधी से नहीं मिलना चाहते जिस पर राजद्रोही जैसा संगीन आरोप लगा। नहीं, विद्रोही मैं नहीं, कोई और है पद्मिनी, और उसका नाम उजागर करने के लिए मैं स्वयं महाराज से मिलने के लिए आतुर। यदि मृत्यु से पहले एक बार महाराज से मिलने का अवसर मिल गया होता उसका राज खुल जाता जो महाराज की पीठ पीछे खंजर लिए छिपा हुआ है। कौन है वो विद्रोही जो हमारी पीठ के पीछे खंजर लेके खड़ा है चंडीलाल? महाराज की जय हो। मृत्यु के गले का हार बनने से पहले आपके दर्शन करने की अंतिम इच्छा इतनी शीघ्र पूरी हो जाएगी ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। चुनारगढ़ से आप बगावत करेंगे ऐसा हमने भी कभी सपने में नहीं सोचा था चंडीलाल। हमारी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी इच्छा हम पूरी नहीं कर सके जिसके लिए आपने अचानक बगावत कर दी। महाराज मैंने कभी विद्रोह नहीं किया, बल्कि मेरे विद्रोह की झूठी खबर फैलाकर आपको गुमराह किया गया है। महाराज बंदी बनाने से पहले यदि मुझे बुलाकर आप सत्य जान लेते तो आप मुझे नहीं उसे बंदी बनाते जो आपका दाहिना हाथ है। कौन है वो? कहीं आपका संकेत परमवीर सिंह की तरफ तो नहीं है? जी महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। परमवीर जैसे हैं वैसे दिखते नहीं। महाराज आपकी दृष्टि में मेरे बढ़ते सम्मान को वो सहन नहीं कर सके और अपने मार्ग से मुझे हटाने के लिए मुझ जैसे स्वामी भक्त पर
राजद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया। कौन है विद्रोही, चंडीलाल या परमवीर सिंह? अब इस सत्य और असत्य का तो पता लगाना ही पड़ेगा। महाराज की जय हो। चपला, तेज सिंह कहाँ है? वो किसी विशेष कार्य से नौगढ़ गए हैं महाराज। कब तक लौटेंगे? उन्हें वापस लौटने में अभी थोड़ा समय लगेगा महाराज। यदि कोई कार्य हो तो मुझे आदेश दीजिए। जिस कार्य के लिए हम तेज सिंह को याद कर रहे थे वो बहुत कठिन कार्य है चपला। क्षमा कीजिए महाराज, पर चपला के लिए हर कठिन कार्य एक चुनौती है। आप आदेश देकर तो देखिए, निराश नहीं होंगे। ठीक है, यदि तुम्हें स्वयं पर इतना भरोसा है तो तुम्हें यह पता लगाना होगा कि चंडीलाल विद्रोही है या स्वामी भक्त। चंडी को बंदी बनाकर परमवीर सिंह ने यह तो साबित कर दिया कि चंडी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। किंतु यही आरोप तो चंडीलाल परमवीर सिंह पर लगा रहे हैं। चंडीलाल का कहना है कि विद्रोही वो नहीं है बल्कि परमवीर सिंह है। समस्या बहुत विकट है महाराज, किंतु इसका समाधान भी हो जाए। अब ये पता लगाना मेरा कार्य है कि विद्रोही चंडीलाल है या परमवीर सिंह। चपला, यदि तुमने सत्य का पता लगा लिया तो हमारी दुविधा का अंत हो जाएगा। परमवीर सिंह और चंडीलाल में जो भी दोषी पाया गया हम उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। जा सकती हो तुम। चपला, लगता महाराज ने तुम्हें किसी विशेष कार्य से बुलाया। नहीं पद्मिनी, जैसे ही मुझे चंडीलाल के विद्रोही होने की सूचना मिली मुझे विश्वास नहीं हुआ और सच्चाई जानने में महाराज के पास चली आई। चंडीलाल ने जो किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसने महाराज वीरेंद्र सिंह का विश्वास तोड़कर स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाया। चंडीलाल जैसा स्वामी भक्त अचानक विद्रोही कैसे हो गया? मुझे तो लगता है किसी ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया है। चंडीलाल स्वयं एक षड्यंत्रकारी है। यदि समय रहते परमवीर सिंह ने महाराज को चंडीलाल का वास्तविक रूप नहीं दिखाया होता तो हम सब संकट से घिरे होते। यदि ये सत्य है तो चंडी का अंत अब निकट है। नहीं चपला, चंडीलाल बहुत चतुर है। वो अभी भी अपने प्राण बचाने के लिए महाराज को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि महाराज उनकी चाल में आ गए तो वो अपने प्राण बचाने में सफल भी हो जाएंगे। चपला के रहते अब चंडी की कोई भी चतुराई सफल नहीं होगी। बस एक बार सत्य को सामने आ जाने दो, फिर विद्रोही जो भी होगा उसे अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। चपला, आप यहाँ कारागार में? मैं यहाँ कारागार का निरीक्षण करने आई हूँ। चंडीलाल किस कोठरी में बंदी है? वो कोठरी संख्या 4 में है। और उस कोठरी के बाहर कितने सिपाही पहरा दे रहे हैं? वहाँ 2 पहरेदार हैं। उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए। मुझे चंडीलाल से कुछ गुप्त जानकारी लेनी है। किंतु समय नष्ट मत करो, ये महाराज वीरेंद्र सिंह का आदेश है। ठीक है, मैं अभी पहरेदारों को वहाँ से हटा देता हूँ। सच्चाई जानने के लिए अपनी अय्यारी की कला दिखाने का अब यही अवसर है। अब देखते हैं चंडीलाल हमें देखकर क्या कहते हैं। श्रीनाथ जी, ये मुझे बद्रीनाथ के नाम से क्यों पुकार रहा है? इसका मतलब ये बद्रीनाथ नहीं बल्कि उसके रूप में कोई बहुरूपिया है। श्रीनाथ जी, चौंकिए नहीं बद्रीनाथ जी, मैं अहमद हूं, क्रूर सिंह का बायां हाथ। किंतु
यहाँ चुनारगढ़ के कारागार में आप कैसे? हम चंडीलाल को स्वतंत्र कराने आए हैं, किंतु तुम अहमद कैसे हो सकते हो? बद्रीनाथ जी, मैं अहमद ही हूँ। सबसे झूठ बोल सकता हूँ, किंतु आपसे नहीं। देखिए, अब आपको यकीन हो गया ना? जल्दी से मुझे भी छुड़ा लीजिए, मैं यहाँ चंडीलाल जी को ही छुड़ाने आया था। चंडीलाल के बाद हम तुम्हें भी आजाद कराने आएंगे अहमद, प्रतीक्षा करो। महाबली, महाबली बद्रीनाथ, चंडीलाल, महाबली, आप कारागार से कैसे छुटकर आ गए? यहाँ के सैनिकों को चकमा देखे। महाबली, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। बाहर का रास्ता मिलते ही हम आपको अपने साथ शिप कर ले जाएंगे। महाबली, मैं एक गुप्त रास्ता जानता हूँ जो सुरंग के रास्ते शिवगढ़ की सीमा तक पहुंचता है। महाबली, इस समय सभी पहरेदार भोजन के लिए गए हुए हैं। आप इस अवसर का लाभ उठाकर शीघ्र मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और महाबली, इस ताले की चाबी पहरेदार जगन सिंह के पास है, जो अभी भी इस तरफ गया है। आप चिंता मत कीजिए चंडीलाल, चाबी लेकर मैं तुरंत लौटता हूँ। चंडीलाल शीघ्र इस चुनारगढ़ के कारागार से स्वतंत्र हो जाएगा, और महाराज वीरेंद्र सिंह देखते रह जाएंगे। चंडी अब वफादार नहीं रहा, बगावत पर उतर आया है। ये राज मुझे जल्द से जल्द महाराज के सामने खोलना ही होगा। महाराज महारानी की जय हो। क्या सूचना लाई हो चपला? सूचना अति गंभीर है महाराज, चंडीलाल ही विद्रोही है। हमारा संदेह ठीक था महाराज, परमवीर सिंह ने जो चंडी पे आरोप लगाया था वो सत्य था, और अब वो साबित भी हो गया है। चंडीलाल हमारे साथ इतना बड़ा छल करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। कारागार में चंडी से भेंट करने के पश्चात हमें परमवीर सिंह की स्वामी भक्ति पर संदेह हो गया था, किंतु अब सत्य सामने आ गया है। एक और सत्य सामने आया है महाराज, परमवीर सिंह ने जिसे महाबली बद्रीनाथ समझकर बंदी बनाया है वो बद्रीनाथ नहीं बल्कि कोई और है। कौन है वो चपला? शीघ्र बताओ कौन है वो जिसे हम बद्रीनाथ समझकर कारागार में मिलने गए थे, कौन है वो? वो शिवगढ़ का कोई अय्यार है। अय्यार? और हम उसे बद्रीनाथ समझकर अपना मित्र बनाने निकले थे। ये तो हमारा भाग्य प्रबल था कि तुमने समय पर आकर उसका भेद खोल दिया, वरना अनर्थ हो जाता। तुम्हारी अय्यारी के इस कला से हम प्रसन्न हुए चपला, और इसका तुम्हें उचित उपहार भी मिलेगा। किंतु अब तुम्हें दुष्ट चंडीलाल और शिवगढ़ के उस अय्यार पर तब तक कड़ी दृष्टि रखनी होगी जब तक उनके सिर धड़ से अलग न कर दिए जाएं।